Hello students, welcome back. In today's session, I am dealing with the topics, the solar system and the artificial satellites from the chapter, stars and the solar system. Before today's topic, let us recapitulate the previous one. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. The moon is the brightest object in the night sky. Moon changes its shape. Pure month tak dikhai dene wale moon ke bright part ki vibhin shapes ko chandrama ki kalaen ya phases of moon kehte hain. The phases of moon occur because we can see only part of the moon which reflects the light of the sun towards us. Moon ke surface dusty or barren yani nirjan hote hain. Different sizes ke craters hote hain. Is par bahut se steep aur unche mountains bhi hote hain. Stars are celestial bodies that continuously emit light and heat. The sun is also a star. Sun dusre stars ke compare mein बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वह अर्थ के करीब होता है. Stars appears to move from east to west because the earth rotates from west to east. A pole star which is situated in the direction of the earth's axis, it does not appear to move. The stars forming a group that makes a recognizable shape is called constellation. पहचानने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं. Some important constellations are Ursa Major, Orion, Leo Major, etc. जैसे कि आपने इसे पिछले क्लास में या पिछले सेशन में देखा था. Now the today's topic. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार अवे दैट इवन लाइट फ्रॉम देम टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स टू रीच द अर्थ. द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स आर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर. यह लाइट द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है. अब जानते हैं कि स्टार्स हमसे काफ़ी दूरी पर है तो उनके डिस्टेंस को हम किलोमीटर या हेक्टेयर में जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हम लाइट ईयर जो है लाइट ईयर को यूज़ करते हैं. आप जानते हैं कि लाइट का स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है. इस प्रकार सन की अर्थ से दूरी लगभग 8 लाइट मिनट है. नाउ द टुडेज टॉपिक द सोलार सिस्टम. जिसे हम सौर मंडल या सौर परिवार भी कहते हैं. सन तथा इसकी परिक्रमा करने वाले सेलेस्टियल बॉडीज या खगोलीय पिंडों से मिलकर सोलार सिस्टम या सौर परिवार बनता है. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटियोर्स. इन ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये ऑब्जेक्ट सन की परिक्रमा करते रहते हैं. आइए अब हम इस टॉपिक पर एक वीडियो देखते हैं. द सोलार सिस्टम एंड द सन. सन तथा इसकी परिक्रमा करने वाले सेलेस्टियल बॉडीज से मिलकर सौर परिवार या सोलार सिस्टम बना है. The sun and the heavenly bodies which revolve around it form the solar system. इस सिस्टम में बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे प्लैनेट्स यानी ग्रह, कॉमेट्स, धूमकेतु, एस्ट्रॉइड्स जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और मेटियोर्स जिन्हें हम उल्का पिंड भी कहते हैं. द सन इज at the center of the solar system and all members of the solar system are revolving around the sun. Sun or in objects ke beech gravitational attraction ke karan ye objects sun ki parikrama karte rehte hain.
solar system. The sun and the celestial bodies which revolve around the sun form the solar system. It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. This picture shows the solar system. Now the next topic is about the sun. आप सभी ने सन को देखा है. अब इस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो देखते हैं. द सन. सन हमारा सबसे निकटतम स्टार है. इट इज ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. यह कंटिन्यूसली लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट एमिट करता रहता है. द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ. वास्तव में सभी प्लैनेट्स का हीट और लाइट का मेन सोर्स सन ही है. एज यू सीन इन द वीडियो, द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. इट इज ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स. दिस पिक्चर शोज द सन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लैनेट्स. अब हम प्लैनेट्स के ऊपर भी एक वीडियो देखते हैं. प्लैनेट्स आर द सॉलिड हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द सन. एट प्लैनेट्स सन की परिक्रमा करते रहते हैं. सन से डिस्टेंस के अनुसार वे हैं मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस एंड नेपट्यून. ये सारे जो है आठ जो है हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं. प्लैनेट्स स्टार की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु प्लैनेट्स में अपना लाइट नहीं होता है. वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. The simplest method of identifying planets from stars is that stars twinkle, whereas planets do not. Planets के position stars के सापेक्ष बदलते रहते हैं. प्रत्येक planet एक निश्चित path पर sun की परिक्रमा करते हैं. इस path को orbit या कक्षा कहते हैं. किसी भी planet द्वारा sun की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे time को उस planet का period of revolution या ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं. अर्थ सन के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने के लिए 365.26 डेज लेता है. द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 65 डिग्री. प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक ए टॉप. किसी प्लैनेट द्वारा एक रोटेशन यानी घूर्णन में लगने वाले टाइम को उसका पीरियड ऑफ रोटेशन या घूर्णन काल कहते हैं. एज यू सीन इन द वीडियो, देयर आर एट प्लैनेट्स इन अवर सोलार सिस्टम. दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. इनको सीरीज में याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस याद कर ले तो आप इन एट प्लैनेट्स को एक सीरीज में जो है याद कर सकते हैं. एंड दैट सेंटेंस इज माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नट्स. द सेंटेंस इज माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नट्स. अगर आप इस सेंटेंस को याद कर ले तो हम पूरे के पूरे एट प्लैनेट्स को सीरीज में याद कर सकते हैं. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. By this center, we easily by heart the name of the planets. The planet Mercury is the nearest to the sun. यह सन के अत्यधिक निकट है. अधिकांश समय इसे देखना कठिन होता है
क्योंकि यह सन के चकाचौंध में छिपा रहता है। सनराइज से पहले और सनसेट के तुरंत पश्चात इसे हॉरिजिन पर देखा जा सकता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम। इट हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। सो आपने वीडियो में देखा, द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। दे मेयरली रिफ्लेक्ट सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। दे डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स। द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। अ प्लैनेट हैज़ ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। Now, what is period of revolution and period of rotation? आप जानते हैं कि planets जो है sun के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिसे हम revolution कहते हैं, और planets जो है अपने axis पर भी वो घूमते रहते हैं, जिसे हम rotation कहते हैं। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. Period of revolution of Earth is 365.26 days. अब अर्थ का रोटेशन पीरियड क्या होगा, या दूसरे का रोटेशन पीरियड क्या होता है? What is period of rotation? The time taken by the planet to complete one rotation is called the period of rotation. अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है? अर्थ का रोटेशन ऑफ पीरियड होता है 24 hours. Now, the next topic is satellite. The celestial body revolving around another celestial body like planet is called satellite. Satellite क्या होता है? कि satellite वे पिंड होते हैं जो planets के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे कि moon. Moon is a natural satellite of the earth. Now, about the planets. The first planet is Mercury. Then the Venus, then the Earth. अब हम इन तीनों planets पर एक video देखते हैं। The planet Mercury is the nearest to the sun. यह sun के अत्यधिक निकट है। अधिकांश समय इसे देखना कठिन होता है, क्योंकि यह सन के चकाचौंध में छिपा रहता है। सनराइज से पहले और सनसेट के तुरंत पश्चात इसे हॉरिजिन पर देखा जा सकता है। It is the smallest planet of our solar system. It has no satellite of its own. Venus. Venus is Earth's nearest planetary neighbor. ग्रहों में Venus अर्थ का निकटतम पड़ोसी है। Night sky में यह सबसे अधिक brightest planet है। कभी कभी Venus eastern sky में sunrise से पूर्व दिखाई देता है, कभी सब कभी sunset के तुरंत पश्चात western sky में दिखाई देता है। Therefore, it is often called a morning star or evening star. इसलिए इसे प्रातः तारा अथवा सांध्य तारा कहते हैं। Rotation of Venus on its axis is somewhat unusual. यह east से west की ओर rotate करता है, जबकि Earth west से east की ओर rotate करती है। Venus shows phases like moon. Venus का satellite नहीं होता है। The Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. अर्थ पर लाइफ का होना कुछ स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण पॉसिबल है। इनमें अर्थ का सन से राइट डिस्टेंस, इस कारण इसका राइट टेम्परेचर रेंज होता है, सूटेबल एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर होता है। वाटर की उपस्थिति भी इसमें सम्मिलित है। स्पेस से देखने पर अर्थ के सरफेस पर जल तथा भूमि से लाइट के रिफ्लेक्शन होने के कारण यह ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। These two planes are inclined to each other at an angle of 23.5 degree. Earth का एक ही natural satellite होता है, जिसे moon कहते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि first planet है Mercury. It is the nearest to the sun and smallest planet of our solar system. The second one is Venus. It is the brightest planet in the night sky. It has no satellite. It rotates from east to west.
इट शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून. जैसे मून के फेजेस होते हैं उसी तरह वीनस के भी फेजेस होते हैं. दिस पिक्चर शोज द फेजेस ऑफ मून. द नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन द सोलार सिस्टम वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट ड्यू टू सम स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस. जैसे कि आपने वीडियो में देखा अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस. अर्थ जो है अब टिल्टेड एक्सिस पर रोटेट करता है. इसका जो एक्सिस है वो सीधे यानी परपेंडिकुलर नहीं होता है. वो जो अर्थ का एक्सिस होता है वो थोड़ा टिल्टेड होता है. इस तरह से जो है अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं. दिस टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ. इस टिल्ट इसके एक्सिस के टिल्ट होने के कारण ही जो है अर्थ पर कई सीजन्स जो है होते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स. मार्स अपीयर्स लाइटली रेडिश इन कलर सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. ये जो है लाल रंग का दिखाई देता है इसीलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं. इट हैज़ टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स. इसके दो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं. द नेक्स्ट वन इज जुपिटर. इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम. ये सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है. इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन द एक्सिस. ये अपने एक्सिस पर काफ़ी तेजी से रोटेट करता है. जुपिटर इतना बड़ा होता है कि इसमें हमारे अर्थ के तरह 1300 अर्थ जो है इसके इस एक जुपिटर में समा सकते हैं. इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. इसके बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं. इट हैज़ फेंट रिंग अराउंड इट. इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई. Now the next one is Saturn. It appears yellowish in color. यह yellowish color में होता है. It is unique in the solar system because of its beautiful rings and these rings are not visible with our naked eyes. इसके चारों ओर जो है rings होते हैं. इस rings के कारण ये planet जो है काफ़ी सुंदर दिखाई देता है और ये rings जो है हमें अपने नंगे आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं. इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. इट इज लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स. इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर. सारे प्लैनेट्स में इसका जो डेंसिटी है सबसे कम होता है. इवन इसका डेंसिटी वाटर से भी कम होता है. द लास्ट टू प्लैनेट्स आर यूरेनस एंड नेपट्यून. देयर आर द आउटरमोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम. ये जो है सोलार सिस्टम के आउटरमोस्ट प्लैनेट्स होते हैं. दीज आर द आउटरमोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम. दे कैन बी सीन विद द लार्ज टेलीस्कोप्स. टेलीस्कोप्स के द्वारा ही हम इसे देख सकते हैं. यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइक वीनस. वीनस की तरह ये भी ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करता है. यूरेनस हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस. एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड. जो इसका रोटेशनल एक्सिस होता है जैसे अर्थ का हल्का सा टिल्ट होता है इसका काफ़ी ज़्यादा टिल्टर होता है. जब ये सन के चारों ओर या अपने एक्सिस में जब घूमता है तो ऐसे दिखता है कि वो रोल कर रहा है. नेपट्यून हैज़ मोर देन 10 मून्स एंड यूरेनस हैज़ मोर देन 25 मून्स. Now, what are the inner and the outer planets? Inner planets kya hote hain? The first four planets, Mercury, Venus, Earth and the Mars are much nearer the Sun than the other four planets. So, they are known as inner planets and they have very few moons. जो inner planets होते हैं ये Earth के पास होते हैं. The outer planets क्या होते हैं? The planets outside the orbit of the Mars, namely Jupiter,
Saturn, Uranus and Neptune are much farther off than the inner planets. ये सन से काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. दे हैव ए रिंग सिस्टम अराउंड दम, इनके चारों ओर रिंग्स होते हैं और इनके जो है काफ़ी सारे मून्स यानी सैटेलाइट्स होते हैं. ईयर 2006 तक का सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट थे. प्लूटो सोलार सिस्टम का सन से सबसे दूर का प्लैनेट था. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने प्लैनेट्स को नया डेफिनेशन दिया और प्लूटो इस डेफिनेशन में फिट नहीं था, इसीलिए अब प्लूटो जो है सोलार सिस्टम का एक प्लैनेट नहीं है. अब हमारे सोलार सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं. प्लैनेट्स के अलावा और भी दूसरे जो है मेंबर्स होते हैं सोलार सिस्टम में. दे आर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्योर एंड मेट्योराइड्स. फर्स्ट वी सी अबाउट एस्टेरॉइड्स. देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स एज यू सीन इज सीन इन दिस पिक्चर. अब आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसे ही हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं और इस बेल्ट को एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज कॉमेट्स. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. हाईली इलिप्टिकल मतलब जो प्लैनेट्स है वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन जो कॉमेट होता है उसका काफ़ी ज़्यादा ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल होता है. देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ वेरी लॉन्ग. वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सन के चारों ओर घूमने के लिए. ए कॉमेट अपीयर्स जनरली एज ए ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल. नाइट के समय जब स्काई साफ हो तथा मून भी ना दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी स्काई में लाइट का ब्राइट स्ट्रीक यानी चमकीली धारी देख सकते हैं. इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं. यद्यपि यह स्टार नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं. दे आर मेट्योर्स. अ मेट्योर इज़ यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेशनली एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. उस समय इनकी स्पीड बहुत हाई होती है. द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप. इट ग्लोज एंड इवोपरेट्स क्विकली. यानी यह चमक के साथ जल्दी से इवोपरेट्स हो जाते हैं. यही रीज़न है कि लाइट की ब्राइट स्ट्रीक बहुत कम टाइम के लिए ही दिखाई देता है. कुछ मेट्योर साइज में इतने बड़े होते हैं कि कंप्लीट इवोपरेट्स होने से पूर्व ही वे अर्थ पर पहुँच जाते हैं. वह बॉडी जो अर्थ पर पहुँचता है उसे मेट्योर या उल्कापिंड कहते हैं. अर्थ के सरफेस पर जहाँ मेटेराइट आकर गिरते हैं वहाँ क्रेटर्स बन जाते हैं, जैसे बेरिंगर मेट्योर क्रेटर, ओडिशा मेट्योर क्रेटर, वेबर क्रेटर्स, ओल्फिक क्रीक क्रेटर्स एंड दिस इज शिवा क्रेटर. मेट्योर्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलार सिस्टम वॉज फॉर्म्ड. जब अर्थ किसी कॉमेट की टेल को पार करती है तो मेट्योर्स के झुंड दिखाई देते हैं. इन्हें मेट्योर शावर्स या उल्का वृष्टि कहते हैं. कुछ मेट्योर शावर्स नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है. द
The next one is meteors and meteoroids. A meteor is usually a small object that occasionally enters the earth atmosphere, जैसे कि आपने वीडियो में देखा. They are also called shooting star. Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. The body that reaches the earth is called meteoroids. This picture shows about the meteor and meteoroids. Now, what is artificial satellite? The artificial satellites revolve around the earth. जैसे मून जो है एक सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, वैसे ही यह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं. दे आर मैन मेड, दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसमिटिंग रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग. दिस पिक्चर शोज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. प्लैनेट्स के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं. सैटेलाइट्स आर द बॉडीज विच रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स. मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ. द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, परंतु वे मून के कंपेयर में अर्थ के काफ़ी समीप होते हैं. स्पूतनिक वन पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च किया था. इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्यभट्ट हमारा पहला इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट था. कुछ अन्य इंडियन सैटेलाइट्स हैं इनसेट, IRS, कल्पना वन. Artificial satellites have many practical applications. They are used for forecasting weather, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, transmitting television and radio signals. They are also used for telecommunication and remote sensing. Remote sensing का अर्थ है distance से information collect करना. Hope you understood this chapter. By this we come to an end of this chapter, Star and the Solar System. Stay home, stay safe and stay healthy.